हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी फैक्ट सीरीज में बात करते हैं मैन रेन फिश की। तो आइए अपनी फैक्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और इसको लास्ट तक देखिएगा। हियर वी गो। सो विद आवर फर्स्ट फैक्ट अबाउट मैन रेन फिश, वी हैव स्टार्टेड आवर वीडियो। मैन रेन फिश आर ऑल्सो नोन बाय सेवरल अदर कॉमन नेम्स इंक्लूडिंग जैसे कि मैन रेन ड्रैगनइट, मैन रेन गोबी, ग्रीन मैंडरिन फिश, स्ट्रिप्ड मैंडरिन फिश एंड द साइक्लेडिक फिश। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये लिटिल ब्यूटीज काफ़ी स्मॉल स्पीसीज होती हैं और सिर्फ 3 इंच तक ही लेंथ में बढ़ती। दिस स्पीसीज इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स रिचुअल रिप्रोडक्शन मेटिंग डांस व्हिच ओनली अकर्स ड्यूरिंग द सनसेट आवर्स। फीमेल्स विल ग्रुप टुगेदर एट द रीफ एंड द सीक अ मेल मेट। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो दैट दे आर वेरी पिकी ईटर्स, यानी कि पिक करके जो छोटा छोटा खाना खाते हैं। एंड दे ईट मेनली स्मॉल वॉर्म्स, प्रोटोजोन्स एंड द स्मॉल क्रस्टेशियंस। स्कॉर्पियन फिश इनकी सबसे ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द नॉन प्रीडेटर है जो इनको खाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू मैंडेरियन फिश कम्स फ्रॉम मैनकाइंड। जी हाँ, क्योंकि ट्रॉपिकल फिश होती हैं जो टैंक इंडस्ट्री में इन विच दे आर हाईली प्राइज्ड, काफ़ी प्राइस होता है क्योंकि जो इनको टैंक्स में रखते हैं, फिश एक्वेरियम में हम अपने घर पे भी रखते हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है जो कि $150 है। डिड यू नो दैट दीज फिश डू नॉट हैव स्केल्स, इंस्टीड दे स्क्रीट म्यूकस फ्रॉम द स्किन विच हेल्प्स रिपेल प्रेडेटर्स एंड कीप देम क्लीन फ्रॉम पैरासाइट्स। और इनके पास ब्राइट कलरेशन होता है जो कि अट्रैक्ट नहीं करता मेट को। इंस्टीड इट इज मिसलीड प्रीडेटर्स, जो कि जो इसके प्रीडेटर्स होते हैं जो इसको खाने आते हैं उसको मिसलीड करता है इनटू बिलीविंग दैट दे मे बी टॉक्सिक टू कंज्यूम, वो जहर है खाने में। बोल्ड कलर इनके होते हैं लेकिन इनका बोल्ड कैरेक्टर नहीं होता। जी हाँ, ये एक्चुअली काफ़ी स्किटिश होती हैं और काफ़ी शाई, यानी कि काफ़ी शर्मिली होती हैं और ज़्यादातर क्या प्रेफर करती हैं कि दूसरी फिशेस से ये दूर ही रहें। सो जो इनको मेक्स दिस मेक्स अ आर्मंडेरियन ड्राइव टू सेट इन लैम्बेन इन क्वाइट एंड यूनिक एज दे आर ऑफन स्पॉटेड लिविंग क्वाइट हार्मोनियसली। दे आर हैविंग 4 dorsal spines ऑन देयर बॉडी। Also, they are having 8 dorsal soft rays and no anal spines. अगर बात करें कि इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है सिर्फ 10 to 15 years. जी हाँ, however, it is not uncommon for them to live about 2 to 4 years in a home aquarium. इतना ही जिंदी रहती हैं because as long they don't starve to death in the weeks after being brought home. So friends, these fishes ranging approximately from the Ryukyu Islands, which are located on the south to Australia. इनके अंदर एक ह्यूज होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय ब्लू पिगमेंट जिसको साइनोफोन्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कलरफुल होती हैं। ये काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं फाइजेजेलिक मेरिडेंसी जो फिश होती है उनकी। दोस्तों, ये काफ़ी ब्राइट कलर्ड की मेंबर है ड्रैगनइट फैमिली से, विच इज़ पॉपुलर इन द सॉल्ट वाटर एक्वेरियम ट्रेड। एंड द मैंडरिन फिश इज नेटिव टू द पैसिफिक, जो पैसिफिक रीजन है वहाँ से। दीज आर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स ऑन देयर बॉडी एंड दैट अचीव देयर वाइब्रेंट कलर्स। सो गाइस, हियर आवर वीडियो एंड्स। इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव मी लॉट्स ऑफ लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर माई वीडियो टू ऑल। Subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon. Bye bye. See you in the next video, which I will post on tomorrow.